गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, दैट इज़ वर्किंग इन विंडोज़ 10। हर कंप्यूटर को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है। इसका काम है कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको एक रिसोर्स प्रोवाइड करवाना, एक यूज़र को एक रास्ता दिखाना कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर में यूज़ होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोस्टली कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। MS विंडो को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि एक USA की कंपनी है, ने डेवलप किया था। MS विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन टाइम टू टाइम आते रहे हैं, पर इसका फर्स्ट वर्जन जो कि विंडोज़ 1.0 था, वो 1985 में आया था। तब से लेकर आज तक इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जिनका हम नीचे डिटेल देखते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे वर्जन हैं जो कि अलग अलग ईयर्स में लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला वर्जन था विंडोज़ 1.0, जो कि आया था 1985 में। उसके बाद 2 साल बाद ही इसका न्यू वर्जन आया था, विंडोज़ 2.0। जैसे जैसे कंप्यूटर की नीड बढ़ती गई, उनमें फंक्शंस की नीड बढ़ती गई, वैसे वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया। इसीलिए टाइम टू टाइम न्यू वर्जन्स निकाले गए विंडोज़ के। फिर थर्ड वर्जन आया विंडोज़ 3.0 इन 1990 के 3 ईयर्स लेटर विंडोज़ NT नाम का वर्जन आया। उसके 2 साल बाद आया विंडोज़ 95। 95 के बाद मोस्टली जो वर्जन आए उनके नेम उनके ईयर्स के अकॉर्डिंग ही रखे गए थे। जैसे 1995 को जो वर्जन आया था उसका नाम दिया था विंडोज़ 95। 1998 को जो विंडोज़ का वर्जन आया था उसका नाम दिया गया विंडोज़ 98। 2000 में जो विंडोज़ का वर्जन आया था उसको दिया गया नाम विंडोज़ 2000। फिर उसी साल एक और वर्जन आया, तो उसका सेम नाम नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने रखा विंडोज़ ME। 2001 में वर्जन आया विंडोज़ XP। 2006 में वर्जन आया विंडोज़ विस्टा। 2009 में विंडोज़ 7 आई थी। 2012 में विंडोज़ 8 आई थी। 2013 में विंडोज़ 8.1, मतलब विंडोज़ 8 और 8.1 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसीलिए उसको सेम नाम दिया, बट उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए उसमें 0.1 ऐड कर दिया गया। और लास्ट विंडोज़ जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में, वो आज तक की है विंडोज़ 10, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद अब तक माइक्रोसॉफ्ट ने कोई विंडो अपग्रेड नहीं की। तो ये चैप्टर हमारा आज इसी विंडोज़ 10 पर बेस्ड है। तो जब ये विंडोज़ 10 2015 में आई थी, तब ये इनिशियली शुरुआत में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 के जो यूज़र्स थे उनके लिए बिल्कुल फ्री थी। अदरवाइज़ विंडोज़ को ख़रीदना पड़ता है हर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। तो जो कस्टमर विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8.1 यूज़ कर रहे थे, उनके लिए विंडोज़ 10 उन्होंने फ्री रखी थी। और इसका एक फ़ायदा ये भी था कि जो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के यूज़र्स हैं, इन विंडोज़ 7 और 8 दोनों को मिलाकर जो भी फीचर्स बनते थे, इन्होंने मिलाकर एक ही विंडो में कंबाइन कर दिए थे, जो कि यूज़र्स के लिए ईजी थी चलाने। एक और बड़ा चेंज इन्होंने विंडोज़ में 10 में किया था कि विंडोज़ 8 में जो भी स्टार्ट मेन्यूज़ थे वो एक टाइल्स की फॉर्म में स्क्रीन पर रहते थे, पर इन्होंने क्या किया, उन सबको कंबाइन कर स्टार्ट मेन्यू में डाल दिया था, ताकि ये और भी इजी हो जाए यूज़ करने के लिए।